देखिए हम आपको बताएंगे ये जो चेनसॉ का कार्बोरेटर है इसको सेट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो एल वाला है, ये एल, ये एच, ये है टी। एल वाले को सबसे पहले हम टाइट करेंगे। ये जो होता है एल वाला, ये होता है तेल के लिए, इसको हमने पूरा टाइट कर दिया। अब ये है एच वाला, इसको भी हम पूरा टाइट कर देंगे। जब आप पूरा टाइट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये टी वाले को कुछ नहीं करना है, ये एल वाले को दो बार घुमाना है। आप देखिए मैं कैसे घुमा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गई एक, फिर इसको वहीं पे लाके रखना है जहाँ से मैंने शुरू किया था। ये हो गई दो, फिर इसको आपको दो बार घुमाना है। ये हो गई एक, ये हो गई दो। अब आप ये जो देख रहे हैं ये है टी, ये आपका एक्सीलेटर का काम करता है। आप एक्सीलेटर को ज़्यादा करेंगे तो मशीन आपकी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी, आप एक्सीलेटर को कम करेंगे तो मशीन आपकी कम स्पीड हो जाएगी। इसको इतना में रख लेना है, आपको देख लेना है कि आपकी चेन चल तो नहीं रही है। अगर चेन चल रही है तो आपको इससे स्पीड कम करना है। जब आप इसको कम करेंगे तो आपकी चेन रुक जाएगी। जब आपकी चेन रुक जाए उसके बाद एक्सीलेटर लेके देखें, चेन चल रही है तो ठीक है। अगर चेन नहीं चल रही है उसके बाद आपको ये चेन के लिए इसको आप एक गुना इसको एक चूड़ी टाइट कर दीजिएगा, आपका चेन सही से रनिंग करने लगेगा।